अंगुली बिग बॉस सीजन 14 में एक सपना लेकर गई थी और ये सपना ऐसा लगता है जैसे कि पूरा हो गया हो। वेल गाइस, आपको दूंगी गुड न्यूज, क्या है ये चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हृदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। देखिए, निकी तंबोली ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रेश फेस है, क्योंकि वो ऑलरेडी साउथ इंडस्ट्री में काम कर चुकी है, साउथ इंडस्ट्री में उन्हें सब लोग जानते भी हैं। इनफैक्ट आपको बता दूं कि निकी तंबोली जिन फॉलोवर्स के साथ में बिग बॉस के घर में आई थी, अब उनकी जो गिनती है वो 3-4 गुना जो है वो ज्यादा हो चुकी है। अब इसी बीच आपको बता दूं यहाँ पर कि हर कोई यही एक्साइटेड इस चीज को लेकर कि निकी तंबोली को क्या क्या ऑफर्स मिल रहे हैं और क्या नहीं। तो बता दूं आपको कि निकी तंबोली को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 बॉलीवुड ऑफर्स मिले हैं। इनफैक्ट उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू की उनकी तैयारी चल रही है और जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वेल, आपको बता दूं कि फिलहाल अभी तक उनकी किसी भी प्रोजेक्ट की जो अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इनफैक्ट बीच में खबरें ये भी आई थी कि मिथुन चक्रवर्ती के बेटे के साथ में वो बहुत जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं और इसके साथ में दो और मूवीज हैं जो वो करती हुई नजर आएंगी। तो अभी तक फिलहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन फैंस इंतजार कर रहे हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट का। इनफैक्ट हम भी कर रहे हैं, लेकिन खबरें जो है वो कहीं ना कहीं बाहर आ चुकी है, क्योंकि जब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता या कोई पोस्टर या चीजें सामने नहीं आती है, तब तक चीजें जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में नहीं कही जाती है। इनफैक्ट एक्टर्स को भी ये चीज होती है वो अलाउड नहीं होती है। सो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या है आप लोगों की राय, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही बॉलीवुड और टेलीविजन की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।